जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम बातें करने वाले हैं 2021 में काला अष्टमी जुलाई के महीने में कब पड़ रही है, काला अष्टमी का महत्व व काला अष्टमी की किस प्रकार से हम पूजा विधि करें जिससे साक्षात काल पर विजय प्राप्त कर सके, तथा कौन से वो इच्छा पूर्ति उपाय हैं जिनसे हमारी मनवांछित साधना अर्थात मनवांछित इच्छा पूर्ति हो सके। दोस्तों जैसा कि आप कथा पता ही है कि प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। जहां तक बात करें जुलाई के महीने में दोस्तों, तो 1 जुलाई 2021 को कालाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। कालाष्टमी भगवान काल भैरव को समर्पित होती है दोस्तों, जो कि रुद्र के अवतार माने जाते हैं। जहां तक इसकी शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, तो आषाढ़ कृष्ण अष्टमी प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई को 2:01 से, और आषाढ़ कृष्ण पक्षमी अष्टमी समाप्त हो रही है 2 जुलाई को 3:28 में इसकी अष्टमी समाप्त हो रही है। दोस्तों काला अष्टमी का महत्व, काला अष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने से शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ जातक को अजान भय ग्रह दोष से भी मुक्ति होती है। दोस्तों भगवान काल भैरव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं, इसलिए कालाष्टमी के दिन भैरव की पूजा से साधक के जीवन के संकट और समस्याएं दूर होती है। तो दोस्तों कौन सी वो इच्छा पूर्ति उपाय है आइए जानते हैं। दोस्तों कालाष्टमी के दिन आप किसी भी काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे जो दोस्तों काल भैरव और साक्षात शनि की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, और शनि की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है तो रंग से राजा होते हुए हमें टाइम नहीं लगता है। जहां तक बात करें दोस्तों काला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का सबसे पहले संकल्प करें। आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है वो भगवान रुद्र के सामने मन ही मन प्रकट कर दे। अब मंदिर की साफ सफाई करके भगवान के सामने दीपक जलाएं और पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखें और रात को पुनः पूजन करें। दोस्तों भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि के समय का विधान है। पूजा सामग्री में दोस्तों धूप, काला तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। इसके साथ हलवा, मीठी पूरी और जलेबी का भोग लगाएं। बाद में बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात आरती करें। दोस्तों आरती के बाद आप प्रसाद का वितरण करें, और जो रोटी है दोस्तों या जो प्रसाद है, कुछ भी आपके पास समर्पित है जिससे आपने काल भैरव की पूजा की है, वो काले कुत्ते को अंत में अवश्य खिलाएं। दोस्तों ऐसा करने से साक्षात काल पर विजय प्राप्त होती है, और हमारी जो इच्छा पूर्ति, मनवांछित इच्छा पूर्ति जो भी रहती है, काल भैरव की कृपा से वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों आज के इस विशेषांक में आपने जाना काला अष्टमी 2021 जुलाई के महीने में कब है, उसका महत्व व पूजा विधि। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।